तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। म्यूजिक आँखों के प्यालों में तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक गैलेक्सी। तो गाइस आज हम आपके लिए कुछ इस तरीके का स्टेटस लेके आए हैं जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा। तो इसको बनाने के लिए सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारी स्टेटस बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। गाइस मैंने बिना किसी बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। उसके बाद सिंपली यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने फोटोज को सिलेक्ट करना है जिससे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से आप किसी भी फोटोज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप पसंद हो, जिससे भी आप स्टेटस क्रिएट करना चाहें, गर्ल्स का, बॉयज़ का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, एक कपल्स का, किसी का भी फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फोटोज देखने के लिए मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पर इस तरीके के स्टेटस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस हम स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको भी अपने हिसाब से कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिससे भी आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहें। सिंपली गाइज मैंने यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लिया, हमारा फोटो आ चुका है। इसको आपको क्या करना है, कैची के ब्राउज़र वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से इक्वल पर क्लिक करने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है, फुल स्क्रीन इस तरीके से, और नीचे की तरफ से आपको थोड़ा सा रहने देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है जितने लेंथ का आप स्टेटस रखना चाहें, 15 सेकंड का मैं रख लेता हूँ समथिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बिल्कुल शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको एक शैडो पीएनजी को ऐड करना होगा जिससे नीचे का जो बैकग्राउंड है वो छुप जाएगा और आपकी वीडियो जो आपका फोटो है वो काफ़ी गजब का लगने लगेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ से इस बैकग्राउंड पीएनजी को सिलेक्ट कर लिया है, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है जिससे ये देख लीजिए तो नीचे से छुप गया है, अब अलग से अजीब सा नहीं लग रहा है। अब हमको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे लगाना होगा टैक्स, जो भी टैक्स आप लिखना चाहें। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके की वीडियोस में आपको टैक्स देखने के लिए मिलते हैं, सारी स्टेटस लिखे हुए होते हैं, तो उन सारी को आपको लिखना होगा। तो उन सारी को आप कैसे लिख सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा, बैक आने के बाद किसी भी गूगल ब्राउज़र को या फिर किसी को भी आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको लिख देना है, अगर आप लव के लिए लिखना चाहें, जिसके लिए भी लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लव शायरी लिख देना है इस तरीके से, 2 लाइन्स या फिर जितनी भी लाइन्स का आप लिखना चाहें, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 लाइन्स डाल दिया, उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ 2 लाइन्स इन हिंदी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में कुछ ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। उसके बाद सर्च मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इन साइज को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वरना आप खुद भी लिख सकते हैं टैक्स में जाके, आपको पता होगा कि टैक्स में कैसे लिखते हैं। तो देख लीजिए गाइस यहाँ से मैं इसी वाली को कॉपी कर लेता हूँ, जो भी आपको पसंद हो सिंपली आपको उसे कॉपी कर लेना है। मैं तो सिंपली आपको बताने के लिए कोई भी कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। बाकी यहाँ से आपको नीचे बहुत सारी मिल जाएंगी, जो भी आपको पसंद हो सिंपली आपको उसे कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक है। अब आपको दोबारा आ जाना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन में। अब सिंपली यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टैक्स पर क्लिक करना है। टैक्स पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप अपना कुछ भी लिख सकते थे, अगर आप चाहें तो कोई भी शायरी की लाइन लिख सकते थे खुद से, लेकिन मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ से सीधे उसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, अब सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर कर देना है, इस तरीके से कर दिया। अगर आप चाहते तो 4 लाइन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से मैं इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। अगर आप कोई इमोजी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे गाइस यहाँ से मैं लगा लेता हूँ, आपको भी लगा लेना होगा अपने हिसाब से, जो भी आप लगाना चाहें। तो सिंपली गाइज मैंने यहाँ से लगा दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसे छोटा करना होगा इस तरीके से और यहाँ पे लाके लगाना होगा। उसके बाद सिंपली क्या करना है गाइज, यहाँ से आपको एक फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ए वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद देवानगरी वाला आपको फॉन्ट मिल जाएगा, जिस पर आप गेट मोर पे स्टोर वाले ऑप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी सिंपली आपको पसंद हो आप उसे सिलेक्ट कीजिए और अपनी वीडियो में यूज़ कर लीजिए उसका, ठीक गाइज। तो यहाँ से मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इसे लगा देना है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, मैंने लगा दिया। उसके बाद स्क्रॉल पे क्लिक करने के बाद इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है जिससे आपको ये पूरी वीडियो में हो जाए। तो गाइस यहाँ से हमारा स्टेटस काफ़ी गजब बनकर तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमें लगाना है म्यूजिक, तो म्यूजिक को मैं लगा लेता हूँ। लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हमें लगाना है सिर्फ म्यूजिक, बाकी तो सारा कुछ हमारा काम हो चुका है। तो म्यूजिक मैं लगा लेता हूँ,
यहाँ से म्यूजिक आ गया। एशटैग एडियो पे क्लिक करके म्यूजिक को निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ से इसे वीडियो को डिलीट कर देना है। म्यूजिक को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बढ़ाया था। बाकी गाइस आप बॉय म्यूजिक लगाएं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा रील्स मिल रही हैं इस तरीके की, जिस म्यूजिक पर बॉय म्यूजिक लगाएं। आपको अपने हिसाब से कोई भी म्यूजिक को लगा लेना है, एडियो पर क्लिक करके अपनी गैलरी से जो भी म्यूजिक आप डाउनलोड करें उसको आपको यहाँ से लगा लेना है। लेकिन गाइस अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इस तरीके का हमने स्टेटस क्रिएट कर लिया। अगर आप कोई और फॉन्ट लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई और फॉन्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ से स्माइल, या फिर आप अपना लोगो या फिर कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। स्माइल जाने के बाद स्माइल लिखता हूँ मैं यहाँ से, स्माइल लिख दिया। उसके बाद यहाँ से एक मैं ये लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। अगर आप चाहें तो कुछ आप भी और कुछ क्रिएटिविटी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैंने यहाँ से ये लगा दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, कोई फॉन्ट जाकर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कोई भी जो भी आपको सिंपली पसंद हो। मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लाकर मैं इसे लगा लेता हूँ। मैंने इसको लगा लिया, स्क्रॉल करना है और इसको मैं पूरी वीडियो में कर देता हूँ। अब गाइज कुछ ज़्यादा गजब का लग रहा है, बाकी स्टेटस हमारा क्रिएट हो चुका है, आपको ज़्यादा कुछ खास करना है नहीं। तो गाइज यहाँ तक हमारा स्टेटस बन के क्रिएट हो चुका है। अब सिर्फ गाइज हमें यहाँ से एक पार्टिकल्स वाला इफेक्ट लगाना होगा, डस्ट वाला, जिससे काफ़ी गजब का लुक आ जाएगा और हमारी वीडियो में एकदम डिफरेंट लुक आएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और इस वीडियो को आपको ऐड कर लेना होगा। गाइज जो भी मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। तो ज़्यादा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ सारा मटेरियल मिल जाएगा और आप सारे मटेरियल को एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली मैंने गाइस यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से सिंपली आपको उसे रोटेट करना होगा, कैची के बराबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करते ही डस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा और आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। वीडियो बड़ी है तो आपको उसे ट्रिम कर देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका स्टेटस क्रिएट हो चुका है। चलिए गाइज मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि हमारा स्टेटस किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। गाइज आप देख रहे होंगे शुरू में यहाँ से ये जो टेक्स्ट था वो दूसरा था, लेकिन अब दूसरा हो गया तो मैंने चेंज कर लिया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख लीजिए, सही है। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। आँखों के प्यालों में तू मेरे ख्वाबों में।